हेलो दोस्तों, एफके टेक्निशियन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है मेरे पास आया है 32 इंच का सैमसंग का है, उसका मैं लाइन दे रहा हूँ, पिक्चर सब हो रहा है, उसका बैकलाइट नहीं है, बैकलाइट का फॉल्ट है, ठीक ना। अब कंफर्म नहीं है, जिसका बैकलाइट का फॉल्ट हो सकता है मदरबोर्ड का फॉल्ट हो सकता है, हो सकता है बैकलाइट का जो पावर बोर्ड है वो भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक ना। तो पहले हम इसको खोल के स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का कंफर्म हो जाएगा जो हाँ बैकलाइट का फॉल्ट है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। जिस भी भाई मेरा वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब या लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहले हम इसको एलईडी को खोलते हैं, उसके बाद ठीक है मैं टीवी को लाइन दे रहा हूँ। देखिए लाइन आ गया, साउंड भी आया, बैकलाइट नहीं आया। होल्ड से देखिए, होल्ड से देखिए बैकलाइट नहीं आया। तो सैमसंग के अंदर में होता है जो पावर सप्लाई और मदरबोर्ड, मदरबोर्ड से पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर लेंगे तो बैकलाइट जलना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं, खोल लेते हैं। खोल लिया, होल्ड से दिखाओ, देखिए बैकलाइट नहीं जला। तो अब मैं इसका बैकलाइट टेस्ट करूँगा, बैकलाइट लाइट, ठीक है। तो बैकलाइट टेस्टर मेरा पास है, तो मैं इसमें बैकलाइट टेस्टर से इसको चेक करूंगा, ठीक है। देखिए ये बैकलाइट टेस्टर है, ठीक है। बैकलाइट टेस्टर का लाइन दे रहा हूँ, मैं इसको पहले बैकलाइट को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देखिए देखिए बैकलाइट जल रहा है। इधर देखिए ये सब लंबा लंबा स्ट्रिप रहता है, एक तो जल रहा है, इसके अंदर में दो स्ट्रिप है। देखिए ये होल से देखिए लाइट जल रहा है, मैं दूसरा स्ट्रिप को चेक करूँगा। ये वाला देखिए, ये वाला नहीं जल रहा है, वाला नहीं जल रहा है। तब हमको पूरा पैनल को खोलना पड़ेगा, उसके बाद जो वाला लाइट खराब है उसको हम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हम पूरा पैनल खोलते हैं, उसके बाद बोल रहे हैं हम। देखिए मैं नया बैकलाइट लाया, जो सेम बैकलाइट है सेम बैकलाइट लगाया, क्योंकि दूसरा बैकलाइट लगाएंगे तो होल्ड होता है, जो इसके ऊपर जो वाइट वाला जो पेपर लगता है जो होल्ड होता है वो मैच नहीं होगा। और सेम वाला देखिए इसके अंदर में डिफरेंस देखिए, जब समझो कोई ज़्यादा बैकलाइट का जो एलईडी लाइट आता है, ठीक ना, तो उसके अंदर में समझो एक तो खराब है, ठीक ना, एक तो खराब है तो सब कुछ चेंज करोगे तो एक तो खराब है। पहले इसको देखना पड़ेगा जो बैकलाइट का कंडीशन कैसा है, जैसे इसको तिरछा करोगे इसमें अंदर का जो लाइट है जो येलो दिख रहा है वो येलो पर क्लियर होना चाहिए। देखिए इस अंदर में जो येलो लाइट दिख रहा है, लाइट के अंदर में येलो सा जो कलर वो क्लियर नहीं है, उतना खास क्लियर नहीं है इसमें, ठीक ना, काला काला पड़ गया, तो इसका समझो इसका लाइट का कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक ना। उसी का वो ऐसे ही जब रहेगा तब पूरा बैकलाइट चेंज कर देने से बढ़िया होगा, और अच्छा कंडीशन रहेगा तो ये वाला जो येलो दिख रहा है लाइट के अंदर में तो क्लिंग सा लगेगा, जो कलर पूरा एकदम येलो क्लिंग लगेगा। देखिए तिरछा कीजिएगा, दिखाइए उसके अंदर में पूरा एकदम येलो जो कलर है वो क्लिंग दिखेगा। देखिए नया बैकलाइट के अंदर में देखिए येलो दिख रहा है पूरा एकदम क्लिंग, ठीक ना। तो ऐसा जो लाइट अच्छा रहेगा वो क्लिंग दिखेगा, ठीक ना, तो समझो वो वाला लाइट सही है और अच्छे कंडीशन है। ऐसा रहने से क्या होगा, जितना भी बैकलाइट रहेगा तो उसके अंदर में जो ख़राब है उसको चेंज कर दो तो चलेगा। जब ऐसा हो जाएगा जैसे काला पड़ गया,
लाइट येलो लाइट सही से नहीं निकल रहा है, तो उस वो वाला को लाइट पूरा चेंज कर दीजिएगा। तो मैं नया लाइट लाया हूँ, उसको लगा रहा हूँ, लगा के फिर जला के दिखाता हूँ। ये लगा लिया, उसको मैं लाइन दे रहा हूँ। देख कितना अच्छा इंटेंसिटी है लाइट का, देखो कितना अच्छा जल रहा है। ठीक है, देखिए अब मदरबोर्ड मैंने नहीं लगाया, सिर्फ पावर सप्लाई लगाया, ठीक ना, और लाइन दिया, चालू हो गया। सैमसंग के अंदर में होता है, मदरबोर्ड से पावर सप्लाई खोल देने से ऑटोमेटिक पावर बैकलाइट ऑन हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं फिटिंग करके पूरा टीवी चला के मैं दिखाता हूँ। देखिए पूरा एलईडी पूरा चालू हो गया, अच्छा पिक्चर क्वालिटी भी आ रहा है। बट ये वाला जो रिप आ रहा है, ये रिप नहीं जाएगा क्योंकि ये कॉप्स हो रहा है, ये बॉन्डिंग इशू है, ये नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद सभी पिक्चर सब सही है, ठीक ना। यूट्यूब पर चलो इस चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।